सो फाइनली दोस्तों, आप लोग देखोगे आदित्य बिरला फैशन रिटेल ने, यानी ABFRL ने अपने क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स वो डिस्क्लोज किए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा हमें देखने को मिलने वाला है, तो चलिए भाई जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर हम देखेंगे भी इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दे रखे हैं। ये करंट क्वार्टर प्रीवियस और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। टोटल इनकम की अगर मैं बात करूँ तो अब की बार 3475 करोड़ की इनकम है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 3494 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर में 3256 करोड़। ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग देखोगे इसके इनकम हमें जो अभी इंक्रीज होते हुए नजर आई है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर टूटी है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसका जो अर्निंग पर शेयर है, यानी कि जो EPS जो टोटल एक्सपेंस है वो कैसे हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो टोटल एक्सपेंस हमें देखने को मिले 3724 करोड़ के, प्रीवियस में क्या थे भी 3813 और प्रीवियस के सेम क्वार्टर में 3458। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंस भी बढ़े हैं बट क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस टूटे हैं। और अब की बार फिर जो इसका रिवेन्यू एक्सपेंस है तो भाई देखो कम है, ठीक है, मतलब कंपनी ने लॉस किया। कितना लॉस है चलिए देखते हैं। नेट प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स की मैं बात करूँ तो अब की बार जो लॉस है वो 214 करोड़ का है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 266 करोड़ का था और प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ पर 161 करोड़ का लॉस था। तो ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे इसके लॉस में जंप आए एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर लॉस में गिरावट हुई है। तो देखा जाए तो देखो भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट ठीक है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे इसके जो लॉस में हमें जो अभी इजाफा देखने को मिला है तो वहाँ से नेगेटिव संकेत है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका जो अर्निंग पर शेयर है, यानी जो EPS हमें देखने को मिला है वो यहाँ पर देख सकते हो भी 1.60 रुपये माइनस में, 2.36 रुपये माइनस में प्रीवियस क्वार्टर में था और 1.47 रुपये प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में। तो ये इसके हमें जो अभी रिजल्ट्स देखने को मिले। इसके अलावा इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसे रहेगा वो भी जानेंगे। यहाँ पर आप लोग रिवेन्यू सेगमेंट्स वगैरह देख सकते हो, किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है भाई, और ये नोट्स भी आप लोग पढ़ लेना डिटेल में अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं। तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा चलिए मार्केट एस्टिमेट से करते हैं कंपेयर भाई। अगर बात करें रिवेन्यू सॉरी EPS की, तो EPS जो एक्सपेक्ट किया गया था 2 रुपये माइनस में और आया कितना भी 1.60 रुपये, यानी जो इसका EPS एक्सपेक्ट किया गया था उसके ऊपर में आया है जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 3427 करोड़ का और एक्सपेक्ट किया गया था भी 3540 करोड़ का, तो एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू है इसने इसको मिस किया है बट EPS के मामले में इसने बीट किया है। तो ये इसके रिजल्ट्स अभी देखो, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट हमें नेगेटिव देखने को मिल सकता है। ऊपर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो EPS है वो आप लोग कंपेयर करोगे इसका जो रिवेन्यू है वो मिस होते हुए नज़र आया है, तो इस वजह से। लेकिन इतना बड़ा भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा कि स्टॉक जो भी एकदम से 10-12% टूट जाएगा, नहीं, स्टॉक फ्लैट रह सकता है और या फिर ऊपर के आज जो तेजी बने स्टॉक में वो गिरावट में आ सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।